केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील कौन है पता है आपको? इन दिनों हर तरफ एक ही फिल्म की चर्चा है, वह फिल्म जिसने 4 साल से सबको दीवाना बना रखा है। बात केजीएफ की हो रही है और इंतजार है केजीएफ 2 की रिलीज का। कोलार गोल्ड फील्ड्स बनाकर प्रशांत साल 2018 में रातों रात चर्चा में आ गए थे। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबल पहचान दिलाने वाले डायरेक्टर साहब कर्नाटक के रहने वाले हैं। साल 2014 में प्रशांत की पहली फिल्म उग्रम रिलीज हुई थी। केजीएफ इस राइटर डायरेक्टर की दूसरी फिल्म थी। आगे केजीएफ 2 के बाद वह प्रभास के साथ सालार लेकर आ रहे हैं। प्रशांत नील फैमिली मैन है। उन्होंने साल 2010 में लिकिता से शादी की। इस कपल के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रशांत का इंस्टाग्राम फैमिली फोटो से भरा हुआ है। एक इंटरव्यू में प्रशांत ने बताया था कि फिल्म मेकिंग में उनका आना पहले सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया था। उसके लिए उन्होंने पढ़ाई भी की थी, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट जाग गया। प्रशांत शुरुआत में अपने ब्रदर इन लॉ मुरली को लेकर फिल्म बनाना चाहते थे। एक कहानी भी लिखी, लेकिन अनुभव की कमी के कारण बात नहीं बन पाई। प्रशांत ने इसके बाद श्री मुरली के अंदाज को लंबे वक्त तक नोटिस किया और फिर 2014 में उग्रम रिलीज हुई। उस साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बनी। उग्रम के बाद प्रशांत नील ने केजीएफ पर काम करना शुरू कर दिया। फिल्म ने दर्शकों में न सिर्फ क्रेज जगाया, बल्कि पहली कन्नड़ पैन इंडिया फिल्म भी बन गई। प्रशांत नील 41 साल के हैं। आगे वह प्रभास के साथ सालार बना रहे हैं। फिल्मों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन वह मौजूदा वक्त में कन्नड़ फिल्मों के सबसे बड़े डायरेक्टर बन गए हैं। बॉलीवुड स्टार्स के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल बॉलीवुड स्टार्स के बारे में। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।